टेंशन ऑफ एनी पोजिशन। वर्टिकल मोशन में पकड़े हम लोग, टेंशन निकालेंगे, टेंशन बहुत आता है ना सबको। हाँ सर, चलो टेंशन निकालो। चलो पार्टिकल मूव हो रहा है सर्कुलर मोशन में, ये आपका डायमीटर है बच्चों, बॉब है यहां, तो आपको पता है इसको ऐसे खींचता होगा इधर से, एक कौन सा वाला फोर्स? कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सी बात है, mg नाम का फोर्स खींच रहा है इसे। नहीं, आपका फोर्स ये है mg, कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, बस सिंपल सी बात होती है, ठीक है। अब जो भी देखो जिस बॉब पे जहां पे बैठ गए वहां पे छतरी ओपन करो। टेंशन कैसे निकालनी है सर? टेंशन कहां आती है? अरे कुछ नहीं है यार, टेंशन यहां पे बैठो, जिस तरफ ये रस्सी है उस तरफ छतरी करो, मतलब जिस तरफ से बारिश आ रही उस तरफ करते ना, बारिश मतलब ये, तो टेंशन इधर होगी। ठीक, ओ ऐसी बात होती है सर, हाँ ऐसी होती है। तो चलो बच्चों यहां पे मुझे बताओ, ये पार्टिकल गोल घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं? गोल घूमता है तब बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स t माइनस mg cos थीटा है। अरे क्यों 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 नहीं समझ में आ रहा है सर? बताओ बताओ, बता देंगे बच्चों, क्यों टेंशन ले रहे आप? देखो गोल रस्सी लेके घूम रहे, जूम 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 कर रहे कि नहीं आप लोग? तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, नहीं तो टूट गई तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? टेंशन वाला। क्यों? जितना घुमाओगे उतने टाइट बनती है, ये फोर्स ज्यादा। ये वेस्टेज जाने वाला फोर्स है, मतलब बाहर वाला कोई तो फोर्स खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचने जैसे लगता है, जैसे कि हम लोग मेले में हत्थी घोड़े पे बैठे पकड़ के रखो, लगता है कोई तो पीछे से खींच रहा है, इधर बाहर खींच रहा है, लेकिन हम लोग बाहर गिरते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है। तो ये फोर्स ज्यादा ये कम है, इसको माइनस करो, रिजल्टेंट फोर्स ये होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों को मिला के, ये फोर्स जा रहा है वेस्टेज, लेकिन हम गिर रहे क्या? नहीं गिर रहे, जो हाथी घोड़े पे बैठे ना मेले में, ओके? तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mu स्क्वायर बाय r t माइनस mg cos थीटा। तो बच्चों हम लोग काम करने वाले टेंशन निकालनी है, तो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये इधर आने से माइनस से बनता है प्लस mg cos थीटा। बच्चों ये जनरल फार्मूला मिला है मुझे, ये वाह बहुत बढ़िया। आप निकालेंगे बच्चों, देखो टेंशन ऑफ लोएस्ट, टेंशन ऑफ मिड पोजीशन, टेंशन ऑफ हाईएस्ट। अब ये भी मिड है, ये मिड है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं। पहले बच्चों लोएस्ट, लोएस्ट पोजीशन, थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहां से हिले ही नहीं हम, यहीं पे लोएस्ट पे ही है, तो कॉस जीरो होता है बच्चों वन, पता है आपको? ओ चलो डाल दो, जनरल फार्मूला है बच्चों, ये तो जनरल पी लिखेंगे हम इसको। तो टेंशन ऑफ कौन सी? लोएस्ट एल, mv स्क्वायर l बाय r लोएस्ट है तो, प्लस mg cos थीटा की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन यही मिल रही है। आप देखेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कौन सी? हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और थीटा इज इक्वल टू 90। क्यों बच्चों? क्योंकि हम यहां से यहां, यहां से यहां 90 चल रहे, देखो ये 90 है, तो cos 90 कितना? cos 90 जीरो। तो लिखो बच्चों मिड पोजीशन एम वी स्क्वायर एम बाय आर प्लस एम जी मल्टीप्लाई जीरो, तो ये जीरो बनेगा, तो टेंशन ऑफ मिड पोजीशन एम वी स्क्वायर एम बाय आर, ये मिली बच्चों मुझे मिड पोजीशन। सर हाईएस्ट पोजीशन, जूम, ये आधा सर्कल चल रहे, अरे आधा है ना, हाईएस्ट पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 180, कॉस 180 होता है बच्चों जीरो, कितना होता है बच्चों? माइनस वन, जीरो नहीं, माइनस वन, माइनस वन। तो बच्चों टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन एम वी स्क्वायर एच बाय आर प्लस एम जी माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? टेंशन ऑफ एम वी स्क्वायर एच बाय आर माइनस एम जी, ये टेंशन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन। वाह क्या फार्मूले मिले, कुछ नहीं सर ये फार्मूला याद करो, मैंने बोला ना बच्चों स्मार्ट वर्क करो यार, हार्डवर्क करने की जो तीन ऑफर है, कुछ नहीं, यहां पे लोएस्ट जीरो, कॉस जीरो वन, वन मल्टीप्लाई तो एम स्क्वायर बाय आर एम जी, वन से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं। मिड पोजीशन कॉस 90, कॉस 90 जीरो जीरो, तो ये जीरो एम स्क्वायर बाय आर। सर हाईएस्ट पोजीशन कॉस 180, कॉस 180 माइनस वन, माइनस वन ये माइनस इधर आ गया, बस खत्म किस्सा। अब बच रहा है बच्चों हमारे पास, अब बच रहा है वेलोसिटी निकालना है डिफरेंट पोजीशन, कौन सी? डिफरेंट पोजीशन। तो बच्चों यहां पे
ये जो डिफरेंट पोजीशन है, चैप्टर थोड़ा लेंथी मुझे पता है बच्चों, करे क्या, लेकिन एक घंटे की मिनिमम कोशिश करेंगे हम लोग सॉल्व करने की। चलो बच्चों, तो वेलोसिटी निकालनी है। ओ चलो सर, ये है आपका सर्कल, वर्टिकल सर्कल है, ये वेलोसिटी निकाल लो, यहां मिड पोजिशन और एडजस्ट पोजिशन, बढ़ना आगे 1 2 3 4। चलो तो पहले, सबसे पहले बच्चों देखो, टोटल टेंशन है हमारे पास हाईएस्ट पोजीशन का, हाईएस्ट, तो एम वी स्क्वायर एच अपॉन आर माइनस एम जी। सर टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन जीरो, ये प्रूव करके दूंगा, टेंशन मत लेना। क्यों मान रहे सर, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन जीरो होता है। ओके सर, जीरो एम वी स्क्वायर एच बाय आर माइनस एम जी। सर यहां पे एम वी स्क्वायर एच बाय आर इज इक्वल टू एम जी, अरे इधर गया तो माइनस का प्लस, यम से यम मर गया बच्चों, तो वी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, मतलब वी एच ये रूट में आएगा आर जी, मतलब वह हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी होती है रूट ऑफ आर जी। अच्छा पहले बार पता होगा सर हम लोगों को कि बुक ही नहीं ओपन की कर लो आज तो कर लो। चलो तो इसके बाद में देखेंगे बच्चों अलग पोजिशन की। चलो टोटल एनर्जी होती है, पता है सबको, टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट, टोटल एनर्जी ऑफ हाईएस्ट, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन एनर्जी टू द अनदर, वन फॉर्म टू द अनदर, है ना, लोएस्ट है हाईएस्ट भी। चलो यहां पे लिखेंगे बच्चों हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोएस्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोएस्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाईएस्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोएस्ट। लोएस्ट की क्या है बच्चों, एम जी एच, लेकिन हाइट ही नहीं ना, कुछ कुछ भी नहीं है। अरे आपको पूछा लोएस्ट पे हाइट कितनी, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी ना, अरे हाइट लगेगी ना, हाइट कुछ भी हाइट नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से, एम जी एच फार्मूला, हाइट नहीं कुछ। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एल, यहां पे एम जी एच जी एच, क्योंकि हाइट पे कुछ होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, ये हाईएस्ट पोजीशन है तो हाईएस्ट, चलो तो हाफ एम वी स्क्वायर एल। यहां पे बच्चों हम लोग यहां से यहां जा रहे, तो डिस्प्लेसमेंट गिनते आर आर, तो यहां पे एच एच की वैल्यू ट्वाइस आ रहे, तो बच्चों इसलिए ट्वाइस एम जी लिख सकते, लिख सकते कि नहीं, अरे ट्वाइस एम जी आर, ट्वाइस आर हो रहा है ना इसकी वैल्यू, ये हाफ एम वी एच स्क्वायर, तो हाफ एम वी एल स्क्वायर, यहां पे 1/2 करेंगे, एम कॉमन निकालेंगे तो 4 आर जी, बात समझ में नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, 2 2 4, तो 2 एम आर जी ही मिलेगा मुझे, 1/2 एम करके यहां पे मरवाना है इन दोनों को, क्या करे, मरवाना तो पड़ेगा, है कि नहीं, तो मरवा रहे बच्चों, देखो ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, वही। अच्छा सर बाकी क्या, वी एल स्क्वायर 4 आर जी, वी एच स्क्वायर की वैल्यू मुझे आर जी पता है बच्चों, मतलब बच्चों वी एल देयर फोर रूट ऑफ 5 आर जी मिल रहा है, वही लोएस्ट पोजीशन की ज्यादा मिल रही है सर, 5 आर जी मतलब, है कि नहीं। चलो अब निकालेंगे बच्चों लोएस्ट पोजीशन, हो गई एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन की निकालने, तो वाई थोड़ा पेज कम पड़ेगा, करेंगे लेकिन। चलो सर तो हम लोग अभी टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट, टोटल एनर्जी ऑफ कहां, एनी पोजीशन, पहले लोएस्ट से हाईएस्ट जा रहे थे, अब कभी भी जाना है तो लोएस्ट से ही जाना पड़ेगा ना, घर से ही निकालना पड़ेगा ना, फटना बाहर कॉलेज में जाना है तो घर से निकालोगे, है ना। सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एल, सर ये एम जी एच पी, ये हाफ एम वी स्क्वायर पी, ओए ऐसी बात है, कोई टेंशन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन निकालेंगे। चलो सर 1/2 वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एम कॉमन बचा है 2 जी एच पी, 2 2 से मर गया ये मिलेगा, 1/2 एम वी पी स्क्वायर। चलो सर जैसे मरवा दिया था पहले, ऐसे ही मरवा दो, मरवा दो, मरवा दो, मर गए बेचारे। वी पी स्क्वायर निकालना है तो वी पी स्क्वायर को यहां रखते हैं, ये इधर आए तो माइनस, मतलब वी एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच पी, बात समझ में आ रही है, ये इधर गए तो माइनस होगा ना, तो बच्चों वी पी स्क्वायर का रूट में जाएगा ये स्क्वायर गया, तो वी एल स्क्वायर 2 जी एच पी, ओए एक फार्मूला तैयार करके दिया आपने, दिखाई तो दे रहा है बच्चों, देखना भी पड़ता है ना कभी कभी। ओके ओके सर, ओके चलने दो, चलने दो, कोई टेंशन नहीं है,
चलने देंगे। चलो एचपी क्या है सर? ये एचपी एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन की हाइट। चलो मान लेंगे बच्चों ये है हमारे पास सर्कल। बड़ा निकालना पड़ेगा ना सर, इतना छोटा छोटा निकालोगे तो दिखाई कैसा देगा, आइडिया नहीं है ये। हाँ अच्छा ऐसा है, ये सेंटर मान रहे वो, ओ एक पार्टिकल यहां से यहां गया, मतलब कोई भी पोजीशन एक गई समझो। ओ समझो बच्चों ये इतने हाइट पे गया ये, आपको पता है बच्चों ये रेडियस है, ये पूरा रेडियस है। तो ये होगा बच्चों यहां से यहां हाइट आर माइनस एचपी, ये एचपी हाइट है ना, कुछ भी हाइट, ये पूरी पूरी यहां से यहां तक। ओके ये ओ पी एम जो भी मानना है। अच्छा समझ में आ रहा है बच्चों, ये रेडियस है, ये रेडियस है, लेकिन ये एचपी इतने ऊपर आ गए, इतने इतना ऊपर आ गया था, इतना ऊपर में ये एचपी है। तो आर माइनस एचपी यहां से यहां, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ, ठीक है। चलो निकालो सर, बातें कम करो, ओके आपकी मर्जी, ये थीटा है बच्चों। चलो सर निकालो, ये एडजेसेंट साइड है, ये है हमारा हाइपोटेनियस, ओके सर कॉस थीटा मिलेगा फिर तो, कॉस थीटा एडजेसेंट आर माइनस एचपी डिवाइडेड बाय आर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये मिल रहा है आर माइनस एचपी आर कॉस थीटा। सर मुझे एचपी निकालना है, चलो एचपी तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा, बात समझ में आ रही, ये इधर आ गया इधर तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो एचपी इज इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा। अच्छा मतलब सर एचपी के जगह पे आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा रखना है, रख दो बच्चों ये नोट डाउन करना है। चलो मिटा रहा हूं इस चीज को, चलो ओके ओके सर, ओके सर ओके, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, खत्म हो रहा है अपना चैप्टर, टेंशन मत लेना। चलो तो वीपी रूट में वीएल स्क्वायर माइनस टू जी, एचपी की वैल्यू मेरे पास, एचपी की वैल्यू बच्चों मेरे पास आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अच्छा सर वीएल की वैल्यू पता है बच्चों? मेरे ख्याल से लिखी मैंने 5RG माइनस 2RG है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ओ अच्छा तो 5 माइनस 2 3 नहीं बच्चों, बॉडमास है ये, बॉडमास करो पहले, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। 5RG माइनस 2RG माइनस माइनस प्लस 2RG कॉस थीटा। ओ अच्छा ऐसा है सर, आरजी कॉमन निकालो आप, 2RG ओके, वीपी रूट ऑफ 5RG माइनस 2RG ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, सही बच्चों RG ओके। आप 3RG सही है, हाँ सर आप सही लग रहा है, आप कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, 3RG ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये एनी पोजीशन वेलोसिटी निकाल सकते, ट्रायल मारना है, मारना है लोएस्ट पोजीशन, देखना है लोएस्ट। देखो सर थीटा 0, कॉस 0 कितना 1, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई वही, कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ कहां होगी, थीटा इज इक्वल 0 कॉस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6, क्या हो रहा है बच्चों, किसी को कुछ समझ में तो आ रहा है क्या, गड़बड़ तो हो चुकी है कहीं ना कहीं, तो सिंपल सी गड़बड़ हो चुकी है, ज्यादा नहीं है, है ना। अच्छा आरजी को कॉमन निकालना था, सॉरी सॉरी सॉरी, यही स्टेप में गड़बड़ हो गई, बस इतना ही है। चलो तो गड़बड़ हो चुकी थी बच्चों ये वीपी, अब मुझे बताओ बच्चों आरजी कॉमन निकालना है, ये पायु माइनस 2 है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना, अरे यही है क्या, ये करनी ही नहीं थी, यह स्टेप करनी ही नहीं थी, अच्छा यहां से नहीं करना था, हमने कर दिया था। चलो वीपी इज इक्वल टू द रूट ऑफ आरजी कॉमन निकाल रहे बच्चों हम लोग, आरजी बचा बच्चों 5 माइनस 2 1 माइनस कॉस थीटा है ना, यही है ना, ओके ओके समझ में आ रहा है,
तो गड़बड़ हो गई क्या? हाँ ठीक है, चलो बच्चों ये बड़ा ब्रैकेट है, वीपी इज इक्वल टू द रूट ऑफ आरजी ब्रैकेट में 3 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही है ना। ओके यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, सॉरी सॉरी यार यहाँ पे तो गड़बड़ क्यों हो रही है। ओके सिंपल सिंपल सी चीज होती है लेकिन कभी कभी दिमाग के बाहर जाती है, बोलना सर हाँ है ना। हाँ अरे ये ब्रैकेट बाकी है, चलो माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस थीटा, अब आएगा अकल ठिकाने पे इस क्वेश्चन की। अच्छा तो ये है आरजी, मेरे ख्याल से ब्रैकेट में ये 3 आ रहे हैं, ये 2, हाँ ये बाप है सर, ये जनरल फार्मूला मिला मुझे, रूट ऑफ आरजी ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस थीटा। देखो थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 3 5 आरजी आ रहा है, लोएस्ट हाइएस्ट पोजिशन के आरजी है, कॉस 180 माइनस माइनस 2, 3 में से 2 गए 1 तो आरजी। देखो अब मिड पोजीशन की निकालेंगे, हाँ सर थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 तो रूट ऑफ 3 आरजी, ये जनरल फार्मूला सही है, सही है सही है, वाह 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 मिल गया, हो गया बच्चों चैप्टर रिकवर होते आ रहा है, एंड तक देखना बहुत जरूरी है, हो गया बच्चों, इसके बाद में आप लोग अपने टोटल एनर्जी निकाल सकते हो इससे, है ना 5/2 आरजी निकाल सकते हैं ना, अरे निकाल सकते हैं, ठीक है आप लोगों को निकालना है नेक्स्ट में। ये एक फार्मूला था हमारे पास, याद है बच्चों, याद है याद है याद है याद है, चलो एनी पोजीशन टेंशन ऑफ एनी पोजीशन m बाय r, अभी क्या फार्मूला निकाला बच्चों अपने vp का लिए, रूट ऑफ rg ब्रैकेट में 3 प्लस 2 cos थीटा निकाला था, डाल दो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब rg ब्रैकेट में 3 प्लस 2 cos थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, सही समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है क्या बाबा, आर से आर मर गया, तो टी पी एम जी ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, चलो तो टी पी इज इक्वल टू 3 एम जी 2 एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, टेंशन ऑफ एनी पोजिशन 3 एम जी, ये हो गया mg, 3mg यहाँ पे भी cos थीटा, मेरे ख्याल से बच्चों आपको पता लग रहा होगा कि 3mg कॉमन है तो 1 प्लस cos थीटा, ये मुझे टेंशन ऑफ एनी पोजीशन का फार्मूला मिल रहा है। और टोटल एनर्जी मिलेगी बच्चों हर समय पे, टोटल एनर्जी जो होती है 5/2 mrg, काइनेटिक एनर्जी का भी एक जनरल फार्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ, एम वी स्क्वायर यूपी, तो 1/2 एम वी की वैल्यू अभी लिखी है उसका स्क्वायर करना है, तो rg ब्रैकेट में 3 प्लस 2 कॉस थीटा, ये फार्मूला मिलेगा काइनेटिक एनर्जी जनरल, है ना समझ में आ रहा है? अगर ये ऐसे टोटल एनर्जी निकालोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन निकाल के 5/2 एमआरजी मिलेगा बच्चों, ऐसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सभी के सभी सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर और भी सवाल बना सकते हैं, अब अपने बुक्स में देख लेना, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में अब अपने बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर एग्जामिनेशन, बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं 100 से 100 मार्क का पूरा कंटेंट दे दूंगा, यही डेरिवेशन के ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।